ज्वाइंट एक्टिव कमेटी ने भ्रष्ट अधिकारियों से लिप्त पूरा शहर साफ करने की ठानी है। ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में अब तक सबसे बड़ी यात्रा का आयोजन भी JAC द्वारा किया गया था। प्रमुख रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ और RTO द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ यह यात्रा निकाली थी। उसी तरह पूरा शहर शांत और भक्तिमय करके भ्रष्ट अधिकारियों को सद्बुद्धि देने के लिए JAC ने भगवान के मंदिर में प्रार्थना कर गुहार लगाई। नागलवाड़ी वड़धामना रोड स्थित गोपाल नागेश्वर मंदिर की स्थापना 29 अगस्त 2013 को JAC के संस्थापक अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल के परिवार द्वारा की गई थी। बीते 10 साल से आज तक मंदिर का पूरा कार्य अग्रवाल देखते आ रहे हैं। साथ ही हर महीने की पहली सोमवार को भव्य कथा हवन और महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूजा अर्चना की जाएगी, ऐसी जानकारी समिति द्वारा दी गई है। मंदिर में ज्यादा से ज्यादा भक्तगण उपस्थित होने की अपील ज्वाइंट एक्टिव कमेटी संस्थापक अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल, भाईचारा राज्य मार्ग परिवहन सेवा संस्थापक अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा, कल्पना लोखंडे, दिनेश अग्रवाल द्वारा की गई है। जैसा कि ज्वाइंट एक्टिव कमेटी के मार्गदर्शन में, भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो प्रोग्राम कर रहे हैं, साल का पहला सोमवार है आज 2023 का। साल का पहले सोमवार हम लोगों ने भगवान शिव जी के प्रांगण में, भगवान जी के शिव जी के मंदिर में हम लोग ये भजन संध्या का प्रोग्राम कर रहे हैं। और हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, भगवान के शरण में क्यों आ रहा है कि जो देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, खुलेआम सड़कों पे घूम घूम कर अवैध वसूलियाँ हो रही हैं, जो भी हर विभाग में भ्रष्टाचार लिप्त अधिकारी हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से कि इनको सद्बुद्धि दें। और हफ्ते का जो सोमवार दिन होता है, पहला सोमवार होता है, उसी दिन से इनकी जो नींव पड़ी होती है, तो उनको सद्बुद्धि दें, उनको बुद्धि दें कि हर गरीब किसान के लिए हित में काम करें। जो रोड पे सफ़र कर रहे हैं, रोड के माध्यम से चल रहे हैं, उनको भी बचाने का कार्य भोलेनाथ ही करेंगे। और इन अधिकारियों को भी सद्बुद्धि आनी चाहिए जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं। ये महीने का पहला सोमवार जो आएगा, हर सोमवार को, महीने के पहले सोमवार को एक कीर्तन होगी, रामायण होगा। जितने भी धार्मिक आस्था से लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि मंदिर में, शिव के मंदिर में आए, नागलवाड़ी में हैं, वड़धामना से हिगना रोड पर स्थिति है, ट्रैक्टर कंपनी के सामने। ज्वाइंट एक्टिव कमेटी के मार्गदर्शन में श्री प्रहलाद अग्रवाल जी इस मंदिर का 2013 में निर्माण किए हैं। आज करीब करीब 10 साल हो गया है और ये 2023 से इस तरह की परंपरा चलती रहेगी, ऐसा हमारा आशा और विश्वास है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। 79 सीनियर सिटीजन भोले बाबा ने हमारे परिवार से अपना मंदिर बनवाया था। अभी नए हैप्पी न्यू ईयर के और दोबारा कोरोना के अटैक को देखते हुए मेरे दिन मन में एक चीज़ आई कि हम भोले बाबा से शहरवासी मिलकर प्रार्थना करें कि जो लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो गलत कर रहे हैं उनकी वजह से सबको सहना पड़ रहा है, जो गलत कर रहे हैं उनको भोले बाबा सद्बुद्धि दे, अच्छी बुद्धि दे, जिससे कि कोई गलत करे नहीं तो कोई दुखी नहीं होगा। ऐसी मैं नागपुर वासियों से अपनी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस पे ध्यान दे। वाड़ी से NBCN न्यूज़ के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।